नगर निगम प्रशासन द्वारा महानगर के विभिन्न मैरिज हॉल मालिकों को टैक्स दिए जाने पर मंगलवार को गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य मैरिज हॉल मालिकों ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह से मिलकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को देने में हम असमर्थ हैं। इसी तरह से अगर टैक्स बढ़ाया गया तो हम मैरिज हॉल बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। उस स्थिति में हम मैरिज हॉल की चाबियां नगर निगम को सौंप देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने कहा, फिर अंदर ही बनाएंगे न वही कर पाएंगे न यही कर पाएंगे। अब हम लोग भी सर उस स्थिति में आ गए हैं कि 6 महीने से बैठ के आदमियों की बिजली ये वो सारा आपसे टैक्स नहीं लेता है जी। कि आप नगर निगम का पानी इस्तेमाल करते हैं या नहीं, आप नगर निगम की लाइट आपके कैंपर उस सर्विस के लिए पैसा लेता है कि आपके यहाँ आने वाली बारात अगर हिमवती रोड से चल के आती है या तो कहीं 12 से मोहतीपुर से पुल डलवा लीजिए अपने नगर निगम के ऊपर। नगर निगम की सड़कों का प्रयोग न करें, नगर निगम की गलियों का प्रयोग न करें। नगर निगम उस सर्विस के लिए चार्ज लेता है कि जो 145 किलोमीटर में फैली हुई हैं और हर व्यक्ति जो उसका इस्तेमाल करता है उसका टैक्स देता है। नगर निगम अपने कैंपस में इस्तेमाल के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में न नगर निगम की सफाई है, न नगर निगम वहाँ कुछ बनाया है, न नगर निगम वहाँ डॉक्टर प्रोवाइड करता है। तो फिर ये 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स ले आते हैं, उसके इस्तेमाल करने का टैक्स नगर निगम जो है चाहे डीकर के रूप में चाहे टैक्स के रूप में वो टैक्स है। इस बात का बिल्कुल टैक्स नहीं है कि हॉस्पिटल कैंपस है। नगर निगम जो किससे किससे टैक्स लेते हैं आपके यहाँ अगर 1,000 बराती आता है तो कोई मोहद्दीपुर सड़क से आता है, कोई बालाजगंज से आता है, कोई बरगदवा से आता है, कोई नौतड़ से आता है, तो ये उस व्यक्ति के आने का टैक्स है सर। मतलब आपकी जो है उसके घर से 50 मीटर के अंदर या 100 मीटर का कहीं डिस्टेंस है, इधर हैंडपम्प भी लगा है, उसे वाटर टैक्स देना पड़ता है। वो बात ठीक है, चाहे वो प्रयोग करे चाहे न जी। आज हम लोग नगर आयुक्त साहब से मिले हैं और जितने भी मैरिज हाउस है उनके ऊपर टैक्स की वो बढ़ा दिया गया है और हम लोगों ने एक उनको पत्र दिया हुआ है कि अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो हम लोग ये टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है और सारे मैरिज हाउस बंद हो जाएंगे और सारे मैरिज हाउस की चाबियां हम लोग आयुक्त साहब को दे देंगे और नगर निगम मैरिज हाउस चलाए, लेकिन हम लोग मैरिज हाउस नहीं चला पाएंगे। हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि टैक्स को जो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि मैरिज हाउस झेल पाएगा। आश्वासन दिया उन्होंने कि जो बढ़ा हुआ टैक्स की आप लगाया गया है उस पर आपत्ति लगा कर आप दीजिए, हम देखेंगे कि उसको जहाँ तक हो सकेगा उसको एडजस्ट करेंगे। ऐसे रहमान, अध्यक्ष मैरिज हाउस एसोसिएशन।